नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को लेकर। पाकिस्तान की मशहूर पत्रकारों में से एक हैं और उनका एक ट्वीट जिसमें वो लिखती हैं कि दादाजी ने वॉट लगा दी, अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट को भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उस विभाजन के दर्द के तौर पर देखा जा रहा है। संभवतः वो दादाजी जो हैं वो कह रही हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, जिनकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ। उनका ये दर्द क्यों है और क्या है पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, और साथ ही बताते हैं कि कौन है आरजू काजमी और उनके ट्वीट के बाद में वायरल हुए ट्वीट पर लोगों ने भारत में किस तरीके से रिएक्ट किया है, पूरी खबर। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी भारत के मुद्दे पर अक्सर ही अपनी राय रखती रहती हैं। उनका हाल ही में किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने इस बात का दुख जताया कि विभाजन के बाद उनका परिवार भारत में रहने के बजाय पाकिस्तान में आ गया था, जो कि एक गलती थी। उनके इस ट्वीट पर लोग उन्हें भारत आने का अब न्योता दे रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने अपने पूर्वजों द्वारा 1947 में विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने के निर्णय पर अफसोस जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि उनका पाकिस्तान में कोई भविष्य नहीं है। मेरे दादाजी और उनका परिवार बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान चला आया था। वॉट लगा दी दादाजी ने, तो ये लिखा है आरजू काजमी ने, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि उनके जो दादाजी थे उनके उस फैसले पर निराशा जाहिर कर रही हैं जिसमें उन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाने का फैसला लिया, न कि भारत में रुकने का। उनके दर्द को समझा जा सकता है क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। भारत तेजी से मॉडर्न दुनिया में आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की फिफ्थ इकॉनमी है और दुनिया का हर देश भारत के साथ में मिलकर चलना चाहता है, जबकि पाकिस्तान इसके बिल्कुल उलट जगह जगह पर पैसों को मांगने के लिए फेमस है। हर जगह उसे उधार के लिए जाना पड़ता है। इसे लेकर कई बार पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री निराशा जाहिर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि अब शर्म आती है। लेकिन इसी बीच आरजू काजमी का यह ट्वीट वायरल हुआ है। ट्वीट वायरल हुआ तो लोगों ने भी इस पर काफ़ी रिएक्शन दिए हैं। लोगों ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। कुछ यूजर्स ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करते हुए कहा है कि आप यूपी आ जाइए, आपकी घर वापसी योगी करा देंगे। जबकि कई यूजर उन्हें जवाब देते हुए लिख रहे हैं कि अब्बा का दिल यानी कि भारत का दिल बहुत बड़ा है, आप वापसी कर सकती हैं, घर वापसी कर सकती हैं। खैर, हालांकि इस बीच एक यूजर ने यह भी कहा कि ये बात जो है वो खालिस्तान के समर्थकों को आप जरूर बताएं। खैर, लेकिन बड़ी बात कि आरजू काजमी आखिर है कौन, तो आपको बता दें आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। वो अक्सर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर होने वाली डिबेट में शामिल होती रहती हैं। भारतीय मीडिया चैनलों से बात करते हुए आरजू काजमी ने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की हालत सही नहीं है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जैसा कि हम सब जानते हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान रहता है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार का इस तरीके से अपने ही पूर्वजों के फैसले पर सवाल खड़े करना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पाकिस्तान में लोगों को, लेकिन भारत में इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक तरीके के उत्साह का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर इशारों में तारीफ भारत की भी हो रही है, भारत की तारीफ एक पाकिस्तानी की तरफ से की जा रही है और इस लहजे में की जा रही है जिसमें पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं नीचा दिखाई पड़ रहा है। आपको क्या लगता है उनके इस ट्वीट पर, आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।